एप्लीकेशन का ट्रांजेक्शन करने के लिए सबसे पहले हम रिंग एप्लीकेशन को यहाँ से देखें कि ओपन करें। दोस्तों काफी टाइम से है जो प्रॉब्लम आ रही थी रिंग का ट्रांजेक्शन है, जो काफी लोग है जो नहीं कर पा रहे थे और कुछ लोगों ने ट्रांजेक्शन है जो कर लिया। प्रॉब्लम जो आ रही थी वो प्रॉब्लम फिक्स आउट है, जो हो चुकी है। कैसे करना है सारे प्रोसेस है जो मैं बताने वाला हूँ, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। रिंग की जो पेमेंट फेल की प्रॉब्लम आ रही थी, फास्टैग नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए काफी ये जो वीडियो खास होने वाली है। दोस्तों मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल वन एच डी टाइम। एप्लीकेशन का ट्रांजेक्शन करने के लिए सबसे पहले हम रिंग एप्लीकेशन को यहाँ से देखें कि ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद पिछली वीडियो में मैंने मनी व्यू से बताया था कि लोन आप कैसे गेट कर सकते हो। काफी लोगों ने है जो लोन है जो ले लिया है और मैं बता दूं 15,000 से लेके 20,000 तक है जो लोन है जो काफी लोगों को मिल रहा है, तो ज्यादातर 20,000 तक ही दे रहा है आपको। मैं बता दूं यहाँ पे अभी ओपन हो रहा है हमारा रिंग एप्लीकेशन। रिंग एप्लीकेशन में काफी लोगों को लोन है जो मिला हुआ है लेकिन वो अपनी लिमिट को है जो नहीं निकाल पा रहे। काफी टाइम से है जो लिमिट है जो नहीं निकल रही। अभी मैं बताऊंगा कि इसके अंदर है जो अपडेट कब आ सकता है और कब है जो ये पैसा है जो निकलने वाला है। देखिए हमने लास्ट का ट्राई है जो यहाँ पे, उसके बाद है जो कोई ट्रायल है जो नहीं हुआ पैसा निकालने का, और लोकेशन एरर है जो देखने को मिल रहा था बार बार। और आपको बता दें प्ले स्टोर में जैसे ही जाते हैं तो इस एप्लीकेशन का कोई भी अपडेट है जो देखने को आपको नहीं मिलता है। जैसा है कि यहाँ पे क्लिक किया, यह रिंग एप्लीकेशन है, कोई भी अपडेट नहीं आ रहा है। यहाँ लाके दिवाली भी आने वाली है और एक महीने से ऊपर का टाइम हो चुका है, अभी तक एप्लीकेशन ने वर्क करना है जो स्टार्ट नहीं किया है। अभी मैं आपको बता दूँ यहाँ पे 3 डॉट पे जाएंगे, जैसे ही यहाँ पे ये देख सकते हो प्रोफाइल भी इनकी फुल कंप्लीट है और जीमेल वगैरह भी सारे है जो अटैच है जो हुए हैं, मतलब पूरी प्रोफाइल है जो प्रॉपर तरीके से कंप्लीट है। कोई भी है जो ऑप्शन है जो एम्प्टी नहीं है, कोई भी खाली नहीं है। वर्जन जो यूज हो रहा है वो है 1.14 यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे हेल्प एंड सपोर्ट में क्लिक करेंगे तो हेल्प एंड सपोर्ट में कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पे कस्टमर केयर है जो रिप्लाई नहीं देते। कस्टमर केयर कैसे रिप्लाई देते हैं वो मैं आपको बताता हूँ और मैं चैट के ऑप्शन में बताऊँगा और भी आगे प्रोसेस है जो बताने वाला हूँ। हालांकि मैं काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ लेकिन सिंपल तरीका है इंस्टाग्राम, जिससे सीधा साधा कॉन्टैक्ट है जो आप टीम से कर सकते हो। तो सीधा कॉन्टैक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो पे विद रिंग पर क्लिक करना है। पे विद रिंग पे क्लिक करने के बाद ये इनका अकाउंट आ जाएगा। ये इनका अकाउंट है, यहाँ पे देख सकते हो। आपको क्या करना है, इस अकाउंट को फॉलो करके मैसेज करना है। यदि आप सीधा मैसेज करोगे तो इनको मैसेज नहीं दिखेगा, यदि आप फॉलो करके इनको मैसेज करोगे तो इनको मैसेज है जो दिखने वाला है। और आप इस मैसेज में क्या लिखोगे कि मेरा पेमेंट फेल प्रॉब्लम आ रही है, स्क्रीनशॉट जो भी है आप लोग इनको शेयर करोगे अपनी प्रॉब्लम्स का, जो भी स्क्रीनशॉट है पेमेंट फेल का लेकर इनको मैसेज में आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना है और पेमेंट फेल जो प्रॉब्लम आ रही है इनको है जो बतानी है, ताकि ये फिर आपको एक बोलेंगे कि हम है जो फीडबैक है जो आपका ले लिया है और हम आपके रजिस्टर नंबर शेयर कीजिए। तो आपसे नंबर मांगेगा ये, तो आपको अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड वहीं देना है जो रिंग में रजिस्टर्ड हो, वही मोबाइल नंबर आपको देना है। और फिर आपको ये 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर, वैसे 24 घंटे में कॉल आ जाती है, वैसे ये 48 घंटे का बोलेंगे कि 48 घंटे के अंदर अंदर हमने आपकी क्वारी है जो पढ़ ली है, हम 48 घंटे के अंदर आपको कॉल बैक करेंगे। फिर इनके कस्टमर का एक कॉल आता है जिसमें आपसे प्रॉब्लम पूछी जाती है और आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है जो किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार सीधा है जो इंस्टाग्राम डाउनलोड कर लेना आपको, पे विद रिंग आईडी इनकी सर्च करके है जो इनको मैसेज है जो करना है। अब आपकी बात आती है यहाँ पे पेमेंट की फेल की प्रॉब्लम है जो आ रही है और लोकेशन एरर की प्रॉब्लम आ रही है, वो इनको आप चेकआउट करवा सकते हो डायरेक्टली मैसेज करके, ठीक है। लोकेशन एरर की प्रॉब्लम उन्हीं को आती है जो दूसरों को आईडी दे देते हैं और काफ़ी टाइम से अपने फ़ोन में आईडी है जो लॉगिन नहीं रखते, तो उनके साथ ये दिक्कत आती है लोकेशन एरर की। और एक चीज़ बता दूं, जो दूसरे को आईडी देते हैं और उसमें क्या फायदा, पहले जो आईडी दे देते हैं दूसरों को तो जिनका ट्रांजेक्शन हो रहा होता है उनका भी ट्रांजेक्शन है जो रुक जाता है, क्योंकि आईडी से आईपी एड्रेस चेंज हो जाता है, क्योंकि जो अपने आपके मोबाइल का आईपी है वो दूसरे मोबाइल का आईपी सेम नहीं होता, इसीलिए वो आपका ट्रांजेक्शन है जो नहीं हो पाता। फिर आपको यही प्रॉब्लम आती है, पेमेंट फेल की प्रॉब्लम है जो दिखाई देती है बार बार पेमेंट फेल की। अभी आपको बता दे रिंग ऑफिशियली तरीके से काफ़ी लोगों के लिए चालू भी है और काफ़ी लोगों
लोगों के लिए चालू नहीं भी है। ये दो प्रॉब्लम आती है। अभी आप QR पे जाओगे तो पेमेंट नहीं होगा, अभी कहीं भी जाओगे तो पेमेंट है जो नहीं होने वाला। तो आपको सबसे पहले सिंपली टच करना है ट्रांसफर नाउ के बटन पे। ट्रांसफर नाउ के बटन पे हम आज है जो सिलेक्ट करके देखेंगे, स्टेट बैंक में स्टेट करके यहाँ पे ट्रांजेक्शन करके देखेंगे। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन करने के लिए मैं 25 रुपये का है जो यहाँ पे ट्रांजेक्शन करने के लिए ओके पे दबाया मैंने, और यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक किया। और यहाँ पे ध्यान रखें वो लोकेशन का बार बार पूछता है, तो इसलिए मैं सिम को भी चालू कर लेता हूँ, क्या पता सिम की वजह से है जो ट्रांजेक्शन है जो ना हो। तो यहाँ पे इस प्रकार लोकेशन है जो परमिशन रिक्वायर्ड बता रहा है आपको अलो करना है। अलो करने के बाद यहाँ पे ये पूछ रहा है यू हैव बी अनलॉक फ्री ट्रांजेक्शन, मतलब 25 रुपये का ट्रांजेक्शन करेंगे तो फ्री है, 100 का करेंगे तो 10% चार्ज है जो हमें देना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए अब ट्रांजेक्शन पिन है जो पूछ रहा है, अब लोकेशन की दिक्कत नहीं आ रही क्योंकि हमारी सिम है जो चालू है। आपको बता दें अब है जो यहाँ पे मैं पिन डालूंगा, यहाँ पे जैसे ही पिन डालूंगा अपना, और फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है डैश पे यहाँ पे आगे, ठीक है। तो यहाँ पे पिन डालना है, यहाँ पे मैं पिन डाल देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे इनकरेक्ट पिन बता रहा है, तो मैं पिन है जो अभी है जो डाल लेता हूँ पिन, यहाँ पे सही पिन डालना है। तो यहाँ पे मैं पिन अपना है जो डाल लेता हूँ, यहाँ पे अब पिन है जो लगा लिया मैंने, यहाँ पे पिन है जो जैसे ही लगाया तो यहाँ पे ये पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए मेरे पास ये ऑप्शन है जो आ रहा है। अब देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है, ये प्रॉब्लम है जो तकड़ी खड़ी हो चुकी है। यहाँ पे देखिए यू कैन नॉट यूज योर क्रेडिट लिमिट फॉर दिस ट्रांजेक्शन एट द मोमेंट, इस समय इस क्षण है जो क्रेडिट लिमिट को आप है जो यूज है जो नहीं कर सकते ट्रांजेक्शन के लिए। प्लीज़ रीपे योर एग्जिट बिल इफ एनी, यदि आपका कोई भुगतान बकाया पड़ा है, बिल कोई बकाया पड़ा है तो उसको पे कीजिए। हालांकि हमारा कोई भी पे बिल नहीं है, और यहाँ पे बता दें ओके गो इट पे क्लिक करेंगे, जैसे ही यहाँ पे गो इट पे क्लिक किया तो यहाँ पे इंटरफेस है जो खुल के सामने आ जाएगा इस प्रकार। यहाँ पे देखिए अभी जो हम पेमेंट कर रहे थे वो है जो फेल हो चुकी है। अभी हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र नाउ के बटन पे क्लिक कर दें, यहाँ पे दूसरे बैंक में भी ट्राई है जो कर लेते हैं। तो यहाँ पे दूसरे बैंक में भी देख लेते हैं, क्या पता इस बैंक में निकल जाए। पे नाउ पे क्लिक करते हैं, पे नाउ पे क्लिक करने के बाद है जो दिक्कत आएगी वो यहाँ पे अभी जो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगी क्या प्रॉब्लम है जो आ रही है। यहाँ पे देखिए ये दूसरे बैंक में भी ये दिक्कत आ रही है। अब करें तो करें क्या, आप लोगों के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, ना QR हो रहा है ना ट्रांजेक्शन हो रहा है। यहाँ पे काफ़ी लोगों का ट्रांजेक्शन तो हो रहा है कुछ फ़ोनों में जिन्होंने ID नहीं दी, मैंने आपको दिखाया भी था लाइव प्रूफ करके, ट्रांजेक्शन उन लोगों का हो रहा है। अब यहाँ पे बात आती है फास्टैग की, अब पीछे बचता है फास्टैग। फास्टैग के अलावा भी और सारे बहुत सारे ऑप्शन हैं मोबाइल रिचार्ज वगैरह के, जो पोस्टपेड है उन्हीं के रिचार्ज हो सकते हैं बाकी के नहीं। फास्टैग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए अभी आपको पेटीएम पेमेंट बैंक सिलेक्ट करना है अपना, जो भी पेमेंट बैंक है। यहाँ पे देखिए अभी मैं यहाँ पे अब गाड़ी नंबर लगाता हूँ अपना, तो यहाँ पे गाड़ी नंबर लगाया, फेच बिल पे क्लिक किया, फेच बिल पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार है जो लोडिंग लेगा थोड़ा सा, जैसे ही लोडिंग लेगा, ये लोडिंग कंप्लीट होने के बाद है जो ये देखिए 100 रुपये पे करने का बोल रहा है। यहाँ पे देख सकते हो 100 रुपये पे, 100 रुपये से लेके मिनिमम 100 कर सकते हो। यहाँ पे बटन पे क्लिक करना है, पे के बटन पे क्लिक करने के बाद ये हमसे ऐसे पूछेगा, और पे विद रिंग लिमिट पे क्लिक करना है। पे विद रिंग लिमिट पे क्लिक करने के बाद है जो हमारे पास इंटरफेस है जो खुल के सामने आएगा, जो पेमेंट होगी वो प्रोसेसिंग में चली जाएगी। ये देखिए ये सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है लोगों को, पेमेंट है जो प्रोसेसिंग में जा रही है। मैंने बताया था आपको कि पिछले ओल्ड वर्जन से भी आप ट्रांजेक्शन करके देख सकते हो, क्या पता तुम्हारा IP है जो सेम मिल जाए पिछले, क्योंकि कुछ लोगों का ओल्ड वर्जन से भी ट्रांजेक्शन है जो हो चुका था। आपको मैंने बताया था कस्टमर केयर भी यही बोलते हैं कि आप यदि दूसरे फ़ोन में सिम डालते हो या फ़ोन वगैरह चेंज करते हो, या अपनी ID एक फ़ोन में दो बार लॉगिन करते हो, या मतलब अपनी ID लॉग आउट करके दूसरी ID लॉगिन करते हो, एक ही फ़ोन के अंदर है जो लॉगिन रखते हो, तब आपका ट्रांजेक्शन है जो रुकना है जो रुक जाता है, ट्रांजेक्शन होना बंद हो जाता है। तो ये दिक्कत उन्हीं लोगों के साथ आती है ज़्यादातर, कस्टमर केयर ने बोला था। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो लोडिंग है वो ऐसे ही लेता रहेगा, और हम बैक जाएंगे थोड़ा ट्रांजेक्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ट्रांजेक्शन है जो फेल हो चुका है 3 अक्टूबर का, देख सकते हो फेल फेल फेल। यह ट्रांजेक्शन फेल इसलिए हो रहा है
ताकि आपने इस आईडी को दो बार अपने फ़ोन में लॉगिन किया था, दो आईडी को लॉगिन किया था, या ये आईडी है जो किसी और को दी थी लॉगिन करने के लिए, तब ये प्रॉब्लम है जो आ रही है। अब इसको फिक्स आउट कैसे करें, तो आपको क्या करना है, इसमें फिक्स आउट आप खुद से नहीं कर सकते। यहाँ पे ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया है रिंग ने कि हम टेक्निकल इशू की वजह से ये फेस कर पा रहे हैं। टेक्निकल इशू जैसे ही रिसोल्व होता है वैसे आप ट्रांजेक्शन है जो कर सकते हो, क्योंकि बड़े बड़े फीचर है इसके अंदर ऐड होने वाले हैं। मैंने बताया था यहाँ शॉपिंग वगैरह के फीचर भी आने वाले हैं, मंत्रा वगैरह जितने भी खाना खाने की चीज़ें हैं वो ऑर्डर करने के लिए सीधा शॉप पे कर पाओगे आप, जैसे स्विगी वगैरह है, यहाँ से सीधा है जो ट्रांजेक्शन है जो कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, मोबाइल, इलेक्ट्रिसिटी, DTH, गैस, ब्रॉडबैंड, लैंडलाइन, फास्टैग और व्यू मोर पे क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारे और भी ऑप्शन है जो देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन है जो लोडिंग हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम ऑप्शन देख लेते हैं अभी, वेट कीजिए। यहाँ पे देखिए काफ़ी वाटर बिल का भी आ रहा है, ब्रॉडबैंड, बुक के सिलेंडर, इंश्योरेंस बिल, यहाँ पे बीमा वगैरह करने का भी, केबल टीवी, हॉस्पिटल वगैरह पे यहाँ पे है जो कर सकते हो आप। तो यहाँ पे बैक आने के बाद यहाँ पे देखिए बैक आ जाते हैं, इन जगह पे ट्रांजेक्शन होने के बाद आप इन पे कोई भी यहाँ पे ऑप्शन है जो सिलेक्ट कर सकते हो, कैसे भी करके अपना पैसा है जो निकाल सकते हो, क्योंकि ऑप्शन बहुत सारे हैं आपके पास, कोई भी यूज कर सकते हो। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए ऑप्शन है जो आधे से ज़्यादा बंद ऑप्शन कर दिए हैं कस्टमर ने, क्योंकि इनका जो एप्लीकेशन है उसमें ग्लीच आया हुआ है और एप्लीकेशन में अपडेट्स हैं जो आने वाले हैं नए, उसी कारण है जो अभी आप ट्रांजेक्शन है जो नहीं कर पाएंगे। जितने भी मेल्स कर रहे हैं काफ़ी लोगों का ट्रांजेक्शन है जो ऑन कर दिया है कस्टमर केयर ने, काफ़ी लोगों का ट्रांजेक्शन अभी हद से ज़्यादा ऑन है जो नहीं हुआ है, ये पेमेंट फेल की प्रॉब्लम है जो देखने को मिल रही है। आपको वेट करना होगा, अभी भी आपको वेट करने हैं, लगभग 15-16 दिन अभी भी लग सकते हैं, क्योंकि दिवाली से पहले ये चालू हो जाएगा एप्लीकेशन। हालांकि पोस्ट के माध्यम से ये बताते रहते हैं, आपको पता नहीं होगा तो आपको एक चीज़ बता दूं कि ट्विटर पे इनकी पोस्ट आती रहती है, ट्वीट करते रहते हैं ये, ताकि ये इनका वो बोल रहे थे ना लास्ट मंथ के, मतलब जिनके वो टाइट हो ऐसा वगैरह कुछ लिखा हुआ था, तो वो ट्रांजेक्शन है जो कर सकते हैं। और लोन के लिए नए बंदे अप्लाई कर सकते हैं, जिनको सॉरी की प्रॉब्लम आ रही थी ना, इनमें लोन नहीं उठा पा रहे थे, वो भी कर सकते हैं लोन के लिए अप्लाई। तो मैंने बताया था इंस्टाग्राम पे सीधा इनको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है जो हो जाता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, सीधा इंस्टाग्राम पे इनके साथ कॉन्टैक्ट करें, यहाँ पे इनको मैसेज करें और अपनी प्रॉब्लम्स है जो यहाँ बताएं, मुझे बताने से अच्छा है यहाँ बताएं ये प्रॉब्लम और आपकी प्रॉब्लम का जल्द से जल्द सॉल्यूशन है जो हो जाएगा। यही थी वीडियो, आज की वीडियो कैसी लगी लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लोन एप्लीकेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।